नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार कुछ नई भावनाएं लेकर। मैं रोज आपके साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे जिंदगी के मंत्र शेयर करने जा रही हूँ कि किनके साथ हम रहें और किनके साथ नहीं रहें। अगर जिंदगी में प्रगति करनी है तो किन चीज़ों को हम आगे लेकर चलें और किन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। एक जगह पे कहीं वेबिनार हो रहा था, वहाँ पर पूछा गया कि जिंदगी में किन लोगों को साथ रखें, तो दूसरे ने फटाक से उठकर क्वेश्चन किया किन लोगों को छोड़ें। तो काफी लोग हंसे, पर सवाल में गहराई थी कि किसको छोड़ें। रखने को तो हर कोई तैयार होता है, पर जिंदगी में किसका साथ छोड़ें, ये जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मंत्र है कि जिंदगी में साथ मत छोड़ना कभी किसी का। आज हम लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और जब हम सफल होते हैं तो हमारे साथ भविष्य में, हो सकता है आने वाले समय में, हमारे पास खूब सुख समृद्धि हो, धन दौलत हो, सुख सुविधा हो, लेकिन उन लोगों का साथ ज़रूर देना जिन्होंने आपके लिए कोई त्याग दिया है। उन्हें मत भूलना जिनकी सीढ़ियों पर पैर रखकर, जिनके कमर पर पैर रखकर अब ऊपर चढ़े हो। अपने माता पिता का साथ कभी मत छोड़ना, अपने परिवार के सदस्यों का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि कामयाबी में बहुत से लोगों का समझौता छुपे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उन्हें छोड़कर मुझे रोज़ नौकरी पर निकलना पड़ता है, और उनके साथ जो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने उन बच्चों को पाला है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अकड़ना बहुत आसान है लेकिन सरल रहना बहुत कठिन है। ऊंचाई पर जाकर ऐसे आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनका आप जिंदगी भर छोड़ने का मन ना करें। और दूसरा मूल मंत्र, जब आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हों, जब कोई अच्छे निर्णय लेने हों, तो किसी के साथ की अपेक्षा मत करो, क्योंकि ये कड़वा सच है। पार्टी, होटल, मूवी, इन सब के लिए साथ होगा, लेकिन जब आपको कहीं ऊंचाइयों पर पहुंचना है और लंबी दूरी पर निकलना है तो बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ चलेंगे। वो परिवार के लोग ही होंगे जो आपके साथ चलेंगे, वही आपके अच्छे निर्णय के साथ काम करेंगे। क्योंकि लोग क्या है, लोग तो कहेंगे अच्छा ये सफलता से दूर रहे, ये ऊपर जाएगा तो यार हमें तो परेशानी होगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी सफलता से खुश होंगे। क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर पहुँचती नहीं है, बस वो टांग खींचती है, किसी तरह से ऊपर चढ़ने वाले की टांग खींच ले, सबकी सहमति और साथ की काम ना करें, और फिर हम ऊँचाई पर पहुँचे नहीं पहुँच सकते। उसमें क्या होगा, अगर हम सबका साथ ढूंढेंगे, सबकी सहमति ढूंढेंगे, तो हम ना तो ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे, ना ही अपनी मंजिल को पा पाएंगे, और खुद भी निराशा के गर्त में जाएंगे, अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी, सबको निराशा के गर्त में ले जाएंगे। इसलिए सबकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कौन से लोगों को हमें साथ में नहीं रखना चाहिए, क्या आपको पता है? ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं जाना चाहिए जिनका ज़िंदगी में कोई विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गपबाजी करना, जिनके पास कोई विजन नहीं है, ये नहीं पता कि अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले मिनट हमें क्या करना है, कोई योजना नहीं है, बेविजन के चलते चले जा रहे हैं, जो होगा देख लेंगे, जी नहीं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल शामिल मत कीजिएगा। किसको साथ लेकर चलना चाहिए, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो दुनिया में बदलाव चाहते हैं, जो ज़िंदगी में बहुत ऊंचा पहुंचना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है ऊंचा उठने का, जिनके अंदर जज्बा है काम करने का, जैसा लक्ष्य होगा, जिसके साथ आप प्रेरित हो, कुछ खास करने की इच्छा हो, जब उन लोगों का साथ हो जिनका काम आपको भी विश्वास देना और अपने ऊपर भी विश्वास करना, ऐसे लोगों का साथ ज़रूर चुनिए। क्योंकि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है तो आपको गिरा भी सकती है। क्यों कहते हैं संगति अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपकी संगति अच्छी है, आप ऊंचे लक्ष्य वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो आपका भी बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप ऊंचाइयों के सपने देखने शुरू करेंगे, समाज में संगत देखकर आपकी पहचान होगी। तो देखिए, अगर आप ज़िंदगी में प्रगति करना चाहते हैं तो किसके साथ जाना है, किसका साथ छोड़ना है, किसके साथ रहना है और किसका संग नहीं ढूंढना,
ये चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए डॉक्टर रेणु अरोड़ा .in पर जाकर आप मुझे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।